What's in my bag? आपको बता नहीं सकती इसमें इतना सारा सामान बैग में क्या कैरी करती हूँ। मेरे बैग में एक ये छोटा सा पाउच है, सो इट लुक्स ब्यूटिफुल। जरूर कैरी करती हूँ क्योंकि आईलाइनर तो मुझे गर्मियों में सूट नहीं करता। काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि मेरे बैग में से कितने आइटम्स निकले। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another new video। तो आज का जो वीडियो है ना वो व्लॉग नहीं है, वो वीडियो होने वाला है और ये सभी लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए और जो अभी न्यूली मैरिड हैं या फिर उनकी शादी होने वाली है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। ध्यान से देखिएगा वीडियो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बैग। तो ये बैग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बैग निकला है और ये मैं आगरा ट्रैवल पे भी लेके गई थी। तो चलिए जी, इस बैग में मैं ट्रैवलिंग के टाइम पर और यूजुअली मैं क्या क्या कैरी करती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए बस बीच बीच में आपसे बातें होंगी और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने बैग में क्या कैरी करती हूँ। मेरे बैग में एक ये छोटा सा पाउच है, ठीक है, जिसमें मेरा छोटा सा स्मिटन का बहुत सारा सामान है, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो मैं इसमें कैरी करती हूँ। सो आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या है। जैसे ये सेटाफिल का छोटा सा मेरे पास लोशन है, जो मेरा हैंड्स वगैरह ड्राई होते हैं ना तो मैं उससे अपना लोशन बार बार लगाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं छोटी छोटी सी चीज़ें कैरी करती हूँ। और ये है जी मेरे पास लैक्मे का सीरम, जो कि मैं कभी नहीं भूलती, हर जगह कैरी करती हूँ मैं इसे। और इसके साथ है जी एक काजल, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है मुझे काजल लगाने की, कभी मेरा दिल करता है काजल लगाने का या फिर ऊपर आपको आईलाइनर लगाना होता है, तो ज़रूरी नहीं है आप आईलाइनर लगाएं, मुझे गर्मियों में सूट नहीं करता आईलाइनर, तो मैं ये काजल स्मज फ्री है, ये मार्स का है तो ये यूज़ करती हूँ। और ये है जी मेरे पास मामा अर्थ के लिपस्टिक, लिप शेड मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो ये सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक है, ठीक है। और इसके साथ जी मैं कैरी करती हूँ एक छोटू सा परफ्यूम, तो ये बेला वेटा का हनी ऊद है और ये परफ्यूम कम इत्र ज़्यादा है। और एक और लिपस्टिक है मेरे पास, वो भी है मार्स की, ठीक है, तो ये शेड है मार्स का, ये बहुत ही ज़बरदस्त शेड है, कभी आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ जी लैक्मे का सनस्क्रीन मैं इसमें कैरी करती हूँ, छोटा पैक मैं कैरी करती हूँ हमेशा अपने साथ, जो इजी टू कैरी हो, हैवी ना हो। तो ये सनस्क्रीन है लैक्मे का मेरे इसमें पाउच में। और ये जस्ट हर्ब्स का एक फेस वॉश मैं ऑलवेज़ कैरी करती हूँ, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी मुझे मिल जाए छोटा सा तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। ट्रैवलिंग के टाइम पर आप लोग भी इसे कैरी करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये है जी विटामिन सी का सनस्क्रीन मेरे पास एक्चुअली 3-4 सनस्क्रीन है, तो आगे उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है और आपके स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल रहेगा। तो ये है जी विटामिन सी का मामा अर्थ का सनस्क्रीन छोटू सा। और इसके साथ है जी इसमें ये बॉडी मिस्ट क्रीम में है, क्रीम फॉर्म में, तो अगर कभी आप अपना परफ्यूम वगैरह भूल जाएँ तो आप इसको ज़रूर कैरी करें, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और मेरा है इसमें मेडिसिन हेडेक की, जो ऑलवेज़ मेरे रहता है तो मुझे ये कैरी करना कंपलसरी है। और इसके साथ है जी छोटू सा ये न्यूट्रोजीना का बूस्ट क्रीम, जो कि मैंने ऐसे ही कैरी कर रखी है, मैंने इसको अभी तक एक या दो बार यूज़ करा है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करा। तो दैट्स इट, ये है मेरे पाउच में सारा सामान, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और मेरे बैग में क्या क्या कैरी हुआ है। छोटा सा बैग है लेकिन कैरी बहुत सारा सामान कर रखा है मैंने इसमें। तो ये सबसे पहले है जी मेरे पास ग्लव्स का डिओड्रेंट, जो कि अगर आप अप्लाई भी करते हैं ना तो आप नमाज आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल फ्री है, तो बच्चों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद है जी अगेन सनस्क्रीन जॉय का, मैंने आपको पहले ही बताया मेरे पास सनस्क्रीन आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो ये जॉय का सनस्क्रीन है। और ये बच्चों की रैश फ्री लोशन है मेरे बैग में, जो मैं ऑलवेज़ कैरी करती हूँ। बीइंग अ मदर आपको भी ये ऑलवेज़ कैरी करना चाहिए, इसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे डायपर वगैरह पहनते हैं ना तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपने ज़रूर इसको कैरी करना है ट्रैवलिंग के टाइम पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
और मेरी है जी ये थायराइड की मेडिसिन, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब अगर मैं अम्मी के घर पे भी एक दिन के लिए भी जाऊँ तो मैं इसको ज़रूर कैरी करती हूँ। ये मेरे लिए मतलब अमृत है, मतलब मुझे अपने साथ कैरी करना ही करना है हर हाल में। और इसमें है जी मेरा वॉलेट, जिसमें मेरे कार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और कैश होता है मेरा इसमें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना कभी भी। तो ये ज़रूर अपने बैग में कैरी करें, एक अलग से वॉलेट ज़रूर होना चाहिए बैग में। और ये भी है मेरे बैग में, ये देखें आप, ये है जी सेल्फ़ी स्टिक। तो ये भी मैंने कैरी कर रखी है, जैसे जब कभी बाहर जाओ ना ट्रैवल करते हैं तो उसमें सेल्फ़ी स्टिक बहुत काम आती है, तो सेल्फ़ी स्टिक भी है मेरे बैग में। और बच्चों की छुटपुट चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी, ये जैम्स है मेरे बैग में बच्चों के लिए, और ट्रैवलिंग के टाइम पे मतलब मैं हमेशा से ये च्युइंग गम्स और ये सर बोला ये ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि ट्रैवल करो ना तो मतलब अलग अलग जगह से इंसान गुजरता है तो बड़ी अजीब अजीब सी स्मेल्स भी आती हैं, तो मुझे ना उससे वॉमिट वॉमिट सा लगता है, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंटर फ्रेश और ये सतपोला, और ये बच्चों के लिए कैरी कर लेती हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें मतलब जो मैं कैरी कर सकूँ, टॉफ़ीज़ हो गई, जैम्स वगैरह हो गए, तो वो मैं अपने बैग में डाल लेती हूँ कि बच्चे अगर चिड़चिड़ करें तो उनको निकाल के फटाफट से दे दो। अच्छा जी, और क्या है मेरे बैग में, मेरे बैग में है जी शुगर फ्री। तो शुगर फ्री मैं ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि मैं मीठी चाय अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए शुगर फ्री मुझे चाहिए होती है। मैं फीकी भी नहीं पी सकती, तो इसलिए मुझे शुगर फ्री की ज़रूरत पड़ती है। और जी इसमें क्या है, एक है जी इसमें बच्चों की ही रैश फ्री क्रीम, ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बीइंग अ मदर आपने ये ज़रूर कैरी करना है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें बच्चों की कभी भी ना भूलें आप, क्योंकि फिर बच्चे अगर परेशान होते हैं ना तो पेरेंट्स क्या, मदर्स तो हमेशा परेशान रहती हैं, अगर बच्चे परेशान रहते हैं तो ना आप ट्रैवल कर पाते हैं ना आप इन्जॉय कर पाते हैं, तो ये ज़रूर कैरी करें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और क्या है जी मेरे बैग में, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा ये देखें जी, ये है मेरे पास पिलग्रिम का हाइड्रेशन सीरम। तो सीरम मैं ऑलवेज़ कैरी करती हूँ कि कहीं पे भी अगर मैंने फ़ेस वॉश करा तो उसके बाद मैं सीरम अप्लाई कर लूँ अपने फ़ेस पर, ठीक है। और उसके साथ है जी टिशू पेपर्स। टिशू पेपर्स मैं मतलब हैंकी तो कैरी करती हूँ बच्चों के, बट अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना तो टिशू पेपर चल जाता है, तो इसलिए मैं टिशू पेपर ज़्यादा कैरी करती हूँ बल्क में अपने बैग में। और थोड़ा सा मेरा मेकअप है, जिसमें आ जाता है जी फाउंडेशन, पहला आ जाता है फाउंडेशन, जो कि मैं हल्का फुल्का ही मेकअप करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, तो फाउंडेशन लगा लेती हूँ मैं। फाउंडेशन के ऊपर ये मार्स का मेरे पास है जी कॉम्पैक्ट लूज पाउडर, तो ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ फाउंडेशन के ऊपर। देन इसके बाद मेरे बैग में है, और ये है जी मस्कारा। मस्कारा मैं ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि आईलाइनर तो मुझे गर्मियों में सूट नहीं करता, तो इसलिए मुझे मस्कारा चाहिए होता है, तो मैं मस्कारा अप्लाई करती हूँ। और ये एक और लिप शेड है मेरे पास, ये लिक्विड लिप शेड है, तो कभी अगर आपने मैट नहीं लगाना नहीं है तो ये ब्रश लिपस्टिक होती है, तो ये भी काफ़ी, इस वक्त भी मैंने यही शेड लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छा शेड है, ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ, तीन चार तरह की लिपस्टिक्स। और एक ही मेरे पास है जी मेरा फेवरेट हाइलाइटर है ये मिस रोज़ का, तो ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। हल्का पुल्का सा मतलब थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है ना तो मेकअप एकदम से एनहांस हो जाता है, तो इसलिए ये मेरा कंपलसरी है कैरी करना। और ये है जी लिप एंड चिक टिंट, तो ये मैंने अभी रिसेंटली कैरी करना स्टार्ट करा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इससे आप अपने चिक्स पे भी लगा लो, आईज़ पे भी लगा लो, लिप्स पे भी लगा लो, एंड योर मेकअप इज़ डन। तो ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। और क्या है जी मेरे बैग में, और है कुछ सनग्लासेस। ये दो तरह के मेरे पास सनग्लासेस हैं, तो ये मैं हमेशा से कैरी करती हूँ, एक तो अपने लिए कैरी करती हूँ और कभी एक किसी और को ज़रूरत पड़ जाए तो उनके लिए कैरी करती हूँ। सो इट लुक्स ब्यूटिफुल इजंट इट, मतलब अच्छा लगता है सनग्लासेस। अगर आप बाहर जाओ ना धूप में तो आपने क्या कर देना, हमेशा यू हैव टू वेयर सनग्लासेस। क्यों? क्योंकि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं ना और डार्क ना हो, इसके लिए सनग्लासेस ज़रूर कैरी करें। ऑल दो आप सनस्क्रीन अप्लाई करे हुए हैं, दैट्स इट, कोई बात नहीं, बट फिर भी आप सनग्लासेस ज़रूर कैरी करें, सनग्लासेस ज़रूर लगाएं। एंड लास्ट थिंग मेरे बैग में है ये पाउच।
तो ये है जी मेरे माइक का पाउच जो इस वक्त मैंने कैरी कर रखा है अभी अपने साथ। तो ये है माइक का पाउच, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो काफ़ी अच्छा माइक है, साउंड वगैरह सब अच्छे हैं। तो ये ऐसे बंद हो जाता है, छोटू सा क्यूट सा, इसको मैं इसकी पूरी लीड को ना इसमें फोल्ड करके इसमें रख देती हूँ तो ये आसानी से कैरी हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्जर, जो कि अभी मैंने लगा रखा है, फ़ोन अपना चार्जिंग पे भी है और माइक भी लगा हुआ है, तो इसलिए मैं चार्जर नहीं दिखा पाई, बट मैं चार्जर भी ऑलवेज़ कैरी करती हूँ। ठीक है, अम्मी के घर जाने के टाइम पे चार्जर कैरी नहीं करती क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अम्मी का चार्जर होता है तो उससे चार्ज हो जाता है। बट हाँ, व्हेन यू ट्रैवल ना, तो यू हैव टू कैरी योर चार्जर फर्स्ट, आपको कैरी करना है। तो बस जी, ये था मेरे बैग का सारा सामान जो मैंने आपको दिखा दिया है, और कुछ भी नहीं है मेरे बैग में। बैग हो गया पूरी तरह से खाली और सामान बिखर गया है नीचे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने भी ऑलवेज अपने साथ कैरी करनी है, अगर आप मदर हैं या फिर आप सिंगल भी हैं तो भी आप, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने कैरी कर रखी हैं। अदरवाइज़ तो गर्ल्स तो मतलब बहुत कुछ कैरी कर सकती हैं अपने लिए, बट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना वो ज़रूर कैरी करें ट्रैवल के टाइम पे। अगर आप मदर हैं तो स्पेशली आप अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखें कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, उसको भी ज़रूर अपने बैग में कैरी करें। और ये इतना लाइट वेट बैग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इसमें इतना सारा सामान है, अगर मैं काउंट करूँ ना तो ये एटलीस्ट मेरा कुछ 25 or 30 आइटम्स होंगे मेरे बैग में। कैन यू बिलीव इट, इस बैग में 35 आइटम्स, और मेरा बैग मतलब फिर भी हैवी नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत लाइट वेट है। तो इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बैग अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं, डिस्काउंट भी चल रहा है मिंत्रा पे अभी। तो चलिए जी, अब जल्दी जल्दी से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि मेरे बैग में से कितने आइटम्स निकले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, and 34. Can you believe it? 34 items. जी, होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर व्लॉग के साथ मिलते रहेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में नहीं, व्लॉग में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट। तो जब तक के लिए बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।